अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ यास अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज हम करने जा रहे हैं प्रूनिंग अपने कोलियस प्लांट की। कोलियस प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है, जिस तरीके से पता चार्ट प्लांट होता है या सर्कुलेंट प्लांट्स होते हैं लाइक एलोवेरा, क्योंकि बहुत कॉमन प्लांट है तो हर किसी को पता होता है एलोवेरा के बारे में। जिसके लीव्स के अंदर जो है वो पानी हो, वाटर हो, मतलब इसका जेल जो होता है वो हो, और बहुत कम पानी का प्लांट होता है, तो वो जो है हमारे सर्कुलेंट प्लांट में शामिल होता है, जिसमें से एक ये कोलियस भी है। अच्छा जी, आज इसके बारे में हम बात ये करेंगे कि एक तो देखें ये माशाल्लाह से 12 महीने का प्लांट है, और साथ ही साथ इसकी हेल्थ जो है उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कि इसको किस तरीके का एटमॉस्फेयर पसंद है, मतलब कितनी धूप, कितना पानी, और किस तरीके का मतलब एरिया इसको दें तो ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा, मिट्टी कितनी चाहिए, खाद कितनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रूनिंग वगैरह कब करनी चाहिए, और फ्लावरिंग कब देता है और कब नहीं देता, ये सारी चीज़ें, और मल्टीपल किस तरह होता है, वो तो बहुत ही ईजी मेथड है, क्योंकि कोई भी सर्कुलेंट प्लांट हो तो वो मरता नहीं है, उसकी जड़ों को हवा नहीं लगती, तो इसलिए वो बहुत ही ईजी से ट्रांसफ़र हो जाता है और मल्टीपल भी हो जाता है, माशाल्लाह से हो भी रहा है मल्टीपल। इसके अंदर देखें अगर आप तो ये मल्टीपल हो ही रहा है। तो प्रूनिंग की भी बात कर लेते हैं और बाकी सारी केयर की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन्वायरमेंट देखें, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्लांट लगे हुए हैं और क्या मामलाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर बड़े बड़े हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनके पीछे जो है वो इसको रखा हुआ, तो शेडी उससे भी बनता है और फिर ऊपर ग्रीन नेट है तो उससे भी शेडी एरिया हमारा बनता है। और ये प्लांट जो है, जितने भी सर्कुलेंट प्लांट हैं, भले वो एरोवेला हो या ये हो, इनको आप कम धूप में रखें, बहुत कम धूप वाली जगह पर रखेंगे, इंडोर नहीं रख सकते। इंडोर अगर रखेंगे तो फिर धूप निकाल देने के लिए आपको कम से कम हफ्ते में दो दफ़ा या एक दफ़ा तो लाजमी ही बाहर निकालना होगा। तो आउटडोर ही रहेगा, आउटडोर प्लांट है, मगर कम धूप वाली जगह पर। अगर बहुत ज़्यादा धूप, मतलब जो 6 घंटे की, 4 घंटे की धूप अगर मुसलसल इस पर पड़ेगी तो फिर ये रेड होना शुरू हो जाएंगे, लीव्स इसके रेड होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, इसकी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी, फ्लावरिंग वगैरह वैसी होएगी जिस तरह होती है नॉर्मली। अच्छा जी, दूसरा ये पानी, अगर पानी की हम बात करें, क्योंकि केयर पे चल रहे हैं, तो पानी जो है ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है इन प्लांट्स को। पानी अगर आप नॉर्मल भी दे देते हैं, जैसे कि एक दिन छोड़ के भी अगर आप दे रहे हैं तो भी इसके लिए इनफ है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो, मतलब अगर बाकी किसी पॉट के अंदर अगर आप, जैसे कि नीचे केवड़ा रखा हुआ, तो इसमें अगर मैं एक गिलास पानी देता हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसके अंदर आधा गिलास या उससे भी कम होगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी सर्कुलेंट प्लांट को। तो हमने ये बता दिया कि आपको धूप और इन्वायरमेंट किस तरह का चाहिए और इसके साथ साथ पानी कितना देना है वो भी आपको पता लग गया। अच्छा, मल्टीपल वन की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि ये सर्कुलेंट प्लांट है तो इसकी कोई भी एक ब्रांच अगर आप कट कर लेते हैं और बड़े जो लीव्स होंगे वो सब हटा दें और न्यूली लीव्स जो बन रहे होते हैं, जैसे कि ये न्यूली बन रहे हैं, इनके साथ आप इसको लगा देंगे तो ये आपका प्लांट जो है वो इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएगा, चल पड़ेगा। अगर से मौसम थोड़ा ठंडा होगा, अभी तो गर्मी ज़्यादा है, अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा या नॉर्मल होगा, या जिस तरह स्प्रिंग मौसम होता है बाहर का मौसम, तो उसमें आप इसको कट करने के बाद एक दिन ड्राई कर लें छांव के अंदर रख के, मतलब लेट सपोज मैंने अगर ये ब्रांच लगानी तो मैंने इसको यहाँ से काट लेना है, और काटने के बाद एज इट इज़ लीव भी नहीं झाड़ना, एज इट इज़ उठा के इसको शेडी एरिया में रख देना और वहाँ ये पड़ा रहेगा। और उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ बालू मिट्टी में, उसके अंदर काव डंग मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई और कंपोज मिली हुई होनी चाहिए, कुछ भी ना मिला वो, उसके अंदर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इसकी कटिंग जो है वो लग जाएगी और सर्वाइव भी कर जाएगी, क्योंकि ये जो है इसकी रूट्स को जब हवा नहीं लगती तो जाहिर है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये पूरा, क्योंकि सर्कुलेंट है तो मुकम्मल पानी है, तो इस वजह से इसको कोई और भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आराम से लग जाएगा। अब रही बात प्रूनिंग की, तो देखें इस तरह के प्लांट को अगर आप ऊपर से ऐसे करके कट करते हैं तो मेरे ख्याल में बेकार ही हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि अब ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसको अब कट करेंगे तो ज़्यादा ही कट करेंगे ताकि नीचे की बेस रह जाए और ये जो छोटे छोटे हैं ना ये ऊपर ग्रोथ करके आ जाएं, और बड़े वाले जो हैं उससे हम एक नया पौधा, एक नया पॉट बना लें। और रही बात फ्लावरिंग की, अब थोड़ा सा फ्लावरिंग की तरफ आते हैं, तो देखें ये जो फ्लावर्स बन रहे हैं अभी, ये अभी इसके अंदर से कोई 4-5 जो हैं 6 दाने वो जो हैं वो सूख गए, क्योंकि फ्लावर ये गुच्छे में देता है, और बाकी जो हैं वो अभी ठीक हैं, चल रहे हैं। मगर ये अगर पीछे देखेंगे मेरे, तो ये देखें ये वाले भी, इसमें 1-2 बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गए और ये भी ख़त्म हो गए, तो इनको हमने कट कर देना है। फूल किसी भी प्लांट का, भले वो गुलाबी क्यों ना हो, किसी भी प्लांट का जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड करता है, तो इसीलिए अगर हम उसको जितनी जल्दी कट कर देंगे, मतलब ड्राई होने के बाद, तो हम अपने प्लांट की हेल्थ का जो है वो समझ लें कि ख्याल रख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा, कट कहाँ से करना है, तो ये फ्लावर का गुच्छा था, ये नीचे किया, 2 लीव्स ये आ रहे हैं, उसके नीचे देखें बॉटम में बिल्कुल इस जगह पर से आपने ऐसे करके इसको, ये मैंने कट कर दिया, ये मैंने कट कर दिया, इसी तरीके से पीछे वाला जो बैग वाला वो भी मैंने यहाँ से कट कर देना है, ये कट हो गया। अब ये प्लांट बगैर फ्लावर्स के हैं और ये वाले फ्लावर्स के साथ हैं थोड़े थोड़े, तो अब इसका भी देखें यही पोजिशन है, तो हम इसको भी यहीं से सेम एज इट इज़ यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, पीछे जो है वो बैक पे उसको भी हम कट कर देंगे, और ये आगे फ्रंट पे है इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे, छोटा सा ये रैक लगा हुआ इसको भी हमने
कट कर देना है। ये हमने छोड़ दिया है अभी, देखें थोड़ा सा, और इसमें से हम ये वाला एक कट करते हैं और पीछे के दो हम कट करेंगे। ओके जी, तो नाउ यू कैन सी कि इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसके अंदर ये एक बचा हुआ है और इसमें ये एक बचा हुआ है। अच्छा, इसका जो है डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे कि अभी जो है ना प्लांट्स के हमने पत्ते काट दिए तो प्लांट ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसे भी हल्का है प्लांट, और दूसरा ये कि कुछ डायरेक्शन की भी बात होती है। अभी देखें, दिस वन इज़ द हेल्दी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हेल्दी है। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसकी जो है वो केयर रखनी है, और बहुत ही ईजी केयर है क्योंकि सर्कुलेंट प्लांट है ना। सर्कुलेंट प्लांट देखें वैसे भी बहुत अच्छे से ही सर्वाइव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पानी देने की सूरत में ये गल जाता है, तो उससे हमने खाली बचाना होता है। बाकी अदरवाइज़ जो है वो प्लांट ये बहुत ही ईजी ग्रो है, और जो स्पेशली जो न्यू आ रहे हैं, जो बिगनर हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर ये किसी भी नर्सरी पर जाएँ तो उनको बोलें यही कि भाई हमें जो है वो सर्कुलेंट प्लांट दिखा दें। आप सर्कुलेंट प्लांट ले लें, उसमें एलोवेरा भी होता है, एलोवेरा से रिलेटेड और भी बहुत सारी वैरायटी है, मेरे पास अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मेरे पास एरोवेला भी अवेलेबल नहीं है, वरना तो मैं वो आपको लाजमी दिखा देता, मगर मैं बाय द वे दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये रखा हुआ, ये देख लिया आपने, ये सर्कुलेंट प्लांट है। इसके बाद फिर ये देख लें, ये पर्पल हार्ट वाइन है, ये भी सर्कुलेंट प्लांट है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये देख लें, तो ये पत्थर चाट है, पत्थर चाट उससे रिलेटेड है कोलियस से, ये भी सर्कुलेंट प्लांट है। इसके अलावा भी मैं एक दिखा देता हूँ जिससे मिलता जुलता है, सर्कुलेंट तो नहीं होगा मगर इससे मिलता जुलता है। देखें ये आप इसको कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलेंट प्लांट है, ये जेट प्लांट है, ये भी बिगनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। जेट प्लांट बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करता है, और यहाँ लगा हुआ भी है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी करके। ये देखें यहाँ लगा हुआ है, कितना हेल्दी ग्रोथ हो रहा है, और ये बाँस है, बाँस काट के जो है उसको पॉट बनाया और उसके अंदर ये जो है वो चल रहा है, लगा शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त लगा। तो मिनी सर्कुलेंट प्लांट वो खिला सकता है, और डिज़र्ट का सर्कुलेंट प्लांट ये, मगर इसको संभालना इतना ईजी नहीं है। अगर आप इसको लेके आएंगे तो ये तो मतलब पानी का बहुत इसका हिसाब किताब देखना पड़ता है। ये जो है वो एडेनियम है, अगर एडेनियम आप लगाना चाहते हैं तो बिगिनर जो है वो एडेनियम भी लगा सकते हैं, मना नहीं कर रहा, आप लगा सकते हैं एडेनियम भी लगाएं, मगर इसको पानी बहुत ही कम दें, शायद दो दिन में या तीन दिन में एक दफ़ा दें तो आपके पास ये भी इंशाल्लाह ग्रोथ कर जाएगा। इसके अलावा सर्कुलेंट प्लांट यहाँ देखें, यूफोर्बिया रखा हुआ है, ये भी सर्कुलेंट प्लांट होता है, देखें फ्लावर भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, ये यूफोर्बिया, इसके अंदर कांटे होते हैं, इसकी पहचान देख लें, इस तरह कांटे होंगे, ऊपर से इस तरह के लीव्स होंगे, इस तरह फ्लावर्स दे रहा होगा, छोटा प्लांट भी मिल जाएगा लाके रख लें, ये भी सर्कुलेंट प्लांट है और ये भी बहुत अच्छे से चलता है। और सेमी सर्कुलेंट में देखें एक प्लांट और ये भी आ गया, डेविल बैक बोन, ये सेमी सर्कुलेंट प्लांट है क्योंकि इसके भी ट्यूब्स के अंदर पानी होता है मगर लीव्स में पानी नहीं होता। इसी तरह ये भी सेमी सर्कुलेंट के लाएगा क्योंकि इसके भी लीव्स में पानी नहीं होता। हालांकि काफ़ी सारे प्लांट्स की वैरायटियां और भी हैं, बहुत सारी वैरायटियां और भी हैं जो कि सर्कुलेंट प्लांट है, तो जिसमें से ये देखें, ये हमारा सेमी सर्कुलेंट प्लांट है जो कि स्नैक कहलाता है, वहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है। तो अब जैसे जैसे चीज़ें याद आ रही हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे, जब आप नर्सरी जाएंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्कुलेंट प्लांट व्हेन व्हिच यू कैन बाय। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये जो प्लांट है सबसे बेस्ट, क्योंकि देखें ज़्यादातर सर्कुलेंट प्लांट जो आप लेंगे उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होएगी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसमें फ्लावर ना लगता हो, फ्लावर सब में ही आता है, मगर कुछ फ्लावर जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो दिखने में पता ही चलता है कि ये फ्लावर है, ऐसा लगता है कि वो फ्लावर नहीं है, वो भी लीव का या प्लांट का कोई हिस्सा ही है, ठीक है ना जी। मगर कोलियस इज़ द बेस्ट वन कि ये गुच्छे की शक्ल में आपको फ्लावर देता है, और इसके अंदर मज़ीद कलर भी आते हैं, जैसे कि मेरे पास जो है ये पिंक है, ये इसके अलावा और कलर्स में भी आता है, येलो में भी आता है और ऑरेंज में भी आता है, बाकी मेरे पास जो है वो अभी एक ही कलर अवेलेबल है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हाँ इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कटिंग लगाने का तरीका दिखा दूंगा, यहाँ पर तीन रखे हैं तो इंशाल्लाह चार हो जाएंगे, एक और हम इसी में से कटिंग करके एक प्लांट और बना के आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।